गाइज एक माउंटेन ट्रैकर था। उसे माउंटिंग पर क्लाइंबिंग करना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा अलग अलग पहाड़ पर घूमता रहता और क्लाइंबिंग करता रहता। लेकिन वो जिस भी माउंटेन पर जाता वहाँ से वो दो स्टोन्स अपने पास मेमोरीज के लिए रख लेता था, ताकि जब भी उसकी उम्र हो जाए ये स्टोन्स उसको उस टाइम की याद दिलाते रहे। इसीलिए वो उनको हर कहीं पर अपने पास ही रखता था। फिर धीरे धीरे स्टोन्स कलेक्ट करना उसकी एक आदत बन गई। नाउ एक बार जब वो एक माउंटेन की चढ़ाई कर रहा होता है, तब अचानक से ही उसको रियलाइज होता है कि वो थोड़ी दूर में ही बहुत ज्यादा थक गया और उसका स्टेमिना भी कम होने लगा। ये देखकर वो सोचता है कि शायद ये मेरे प्रॉपर डाइट न लेने की वजह से हो रहा है, जिसके बाद वो अपनी डाइट को और अच्छे से फॉलो करता है। फिर अच्छी खासी हेल्थ बनाने के बाद जब वो एक बार फिर से ट्रैकिंग करना शुरू करता है, तो अगेन वो अपने स्टेमिना को बहुत ही कम पाता है। बट क्योंकि वो ट्रैकिंग को लेकर इतना पैशनेट होता है कि वो अपने आप को क्लाइंबिंग से रोक ही नहीं पाता और डेंजरस माउंटेन पर ट्रैकिंग करने निकल जाता है। जब वो माउंटेन पर काफी दूर आ जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसे बेहोशी होने लगी है और तभी वो नीचे गिर जाता है। पर किस्मत से उसे कुछ लोग देख लेते हैं और उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उसको होश आता है तो डॉक्टर उसे सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि देखो तुम अब कभी ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे, और अगर तुमने ये बात नहीं मानी और ट्रैकिंग पर निकल गए तो तुम अपने साथ हुए हादसे के खुद ही जिम्मेदार होगे। नाउ इससे उस ट्रैकर को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो उदास हो जाता है। फिर अचानक से उसको उसके लगेज की याद आती है। वो उन लोगों से अपने लगेज के बारे में पूछता है जो उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। उसके पूछने पर एक आदमी जवाब देता है कि सर आपका सामान इतना भारी था कि हम उसको उठा ही नहीं पाए, जिससे वो ट्रैकर थोड़ा सोच में पड़ता है और एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि एक्चुअल में अब उसको ये समझ आता है कि वो अपने बैग में जिन स्टोन्स को जमा कर रहा था उन्हीं की वजह से उसके बैग का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और उसकी ये हालत हो गई। बट अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। वेल देखो लाइफ में हम कई बार जाने अनजाने में अपनी अच्छी बुरी यादों का लगेज अपने साथ लेकर घूमते हैं, खासकर रेग्रेट्स को, जिस वजह से एक दिन इनका प्रेशर किसी इंसान पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इनडायरेक्टली उसकी लाइफ ही खराब कर देता है। इस स्टोरी के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि लाइफ सभी को एक ही बार मिलती है, जिसे कुछ रिग्रेट्स की वजह से हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर कई रिग्रेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानबूझकर नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अपने साथ लेकर घूमते हैं, और इन्हीं रिग्रेट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि टाइम रहते आप ऐसे रिग्रेट्स को समझकर अपनी लाइफ से इनको दूर कर सकें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, नॉट लिविंग द लाइफ ट्रू टू योर सेल्फ। एक इंसान जब एक डेथ बेड पर होता है जहाँ पर वो कुछ ही टाइम में सिर्फ मरने वाला होता है, तो उस वक्त उसको अपनी लाइफ की बहुत सी गलतियाँ याद आती हैं, जिसे सोच सोच कर वो खुद के लिए बहुत बुरा फील करता है। पर सारे रिग्रेट्स में जो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, जो मैक्सिमम लोगों को फील होता है, वो है लाइफ अपने मुताबिक नहीं बल्कि दूसरों के मुताबिक जीना। वेल देखो ये बात तो मानने वाली है कि अलग अलग लोगों के लिए ये चीज अलग अलग होती है। कोई इस चक्कर में अपने ड्रीम्स को कुर्बान कर देता है तो कोई अपनी खुशियों को, जहाँ पहले तो उनको ये लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं पर आगे चलकर उनको इसका पछतावा जरूर होता है। बट ये चीज कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे कोई अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा हो या फिर सोसाइटी की, जब वो इंसान अपनी आखिरी सांसें लेगा तो उसको ये जरूर फील होगा कि काश मैंने सब कुछ दूसरों के लिए करने की बजाय कुछ अपने लिए भी कर लिया होता। सो अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा रिग्रेट नहीं चाहते हैं, तो दूसरों के प्रेशर में आने की बजाय वो कीजिए जो आपको सच में अच्छा लगता है। नंबर 2, नॉट बीइंग मोर लविंग टू द पीपल हु मैटर्स द मोस्ट। आपने देखा होगा पहले के मुकाबले आजकल लोग अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। अब कुछ लोग इसे नया कल्चर बोलते हैं तो कुछ अपना हसल पीरियड। बट एक सच्चाई है, चाहे आप अपने सपने पूरे करके कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाएं, पर अगर आप खुद के लिए या फिर उन लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते जो आपके लिए जरूरी है, तो ऐसी कामयाबी का कोई फायदा नहीं। नाउ कई लोग क्या करते हैं, वो अपनी सारी खुशी अपने काम में ही ढूंढते हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन जो चीज उनको एक्चुअल में खुशी देती है, यानी उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, मैक्सिमम टाइम अपने काम के चक्कर में वो उनको नजरअंदाज करने लगते हैं। बट बाद में जाकर जब उनको ये सब रियलाइज होता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। देखो आपको हमेशा एक बात अपने माइंड में जरूर बिठानी होगी कि लाइफ पछतावा करने के लिए बहुत छोटी है। इसीलिए अपने सपनों के साथ साथ उन लोगों को भी अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दीजिए जो आपके लिए जरूरी है। नंबर 3, नॉट अकम्प्लिशिंग मोर। हम ह्यूमंस की शुरू से ही ये टेंडेंसी होती है कि हम हमेशा दूसरों से और बेहतर करने की इच्छा रखते हैं, और इस चीज के लिए हम अपने गोल्स भी बनाते हैं। पर जब वो गोल्स किसी वजह से पूरे नहीं होते हैं, तो लोगों का फेलियर रिग्रेट बनकर पूरी लाइफ उनके साथ रहता है। आपने किसी न किसी को ऐसा कहते हुए जरूर सुना होगा, जब मैं अपने स्कूल में था तो मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मैं कभी टॉप नहीं कर पाया, शायद मुझे चीजों को समझना आता ही नहीं है। इस तरह के रिग्रेट्स सुनने में छोटे और बचकाने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही रिग्रेट्स लोगों के कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि इससे हमेशा आपका आपकी काबिलियत पर शक बना रहता है। इसलिए इस तरह के फेलियर्स को सीरियस ले लेना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इन फेलियर्स से बस आप सबक लीजिए और तुरंत मूव ऑन कर जाइए। नंबर 4,
नॉट सेविंग फॉर फ्यूचर। बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार बस आज को एंजॉय करो, फ्यूचर के लिए सोचकर क्या होगा, पैसों का क्या है यार, वो तो आता जाता रहता है। हाँ ये सही बात है कि लोगों को अपनी लाइफ प्रेजेंट में ही जीनी चाहिए, लेकिन इस चक्कर में फ्यूचर के सर्कमस्टेंसेस को ही अवॉइड कर देना बेवकूफी है। जो लोग प्रेजेंट में मजे करने के चक्कर में अपने पूरे पैसे बर्बाद कर देते हैं, उन्हें सेविंग्स और कंपाउंडिंग का आगे चलकर हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है ये पता ही नहीं होता, जिस वजह से ऑब्वियसली बाद में उनको पछताना पड़ता है। देखो फ्यूचर के बारे में सोचकर कुछ पैसे सेव करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। इससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, बट आगे चलकर फायदा बहुत होगा, और इसका फायदा आपको आगे चलकर जरूर महसूस होगा। नंबर 5, नॉट टेकिंग इनफ केयर ऑफ योर हेल्थ। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि सेहत ही दौलत है। बट कई लोग सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिलता, जिस वजह से जब उनकी एज बढ़ने लगती है तो उन्हें बॉडी पेन, ओबेसिटी एंड और भी कई अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं। और इससे क्या होता है, एक उम्र आने से पहले ही उनकी बॉडी का स्टेमिना बिल्कुल लो हो जाता है, जो आगे चलकर कुछ और नहीं सिर्फ पछतावा देता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको अपनी 20s या 30s में बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है, वो है गाइज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ये काम आज आपको भले ही इतना जरूरी न लगे, बट जब आप एक एज पर आ जाएंगे तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस का जरूर एहसास होगा। अब बॉडी पर ध्यान देने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको एक जिम ज्वाइन करनी है और मस्कुलर बॉडी बनानी है, नहीं। अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट्स कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं तो ये भी कर लेना आपके लिए इनफ होगा। एटलीस्ट इससे आपकी बॉडी ज्यादा लंबे टाइम तक सही से फंक्शन कर पाएगी। नंबर 6, बीइंग टू टफ ऑन योरसेल्फ। हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमको जो भी इंसान जैसी भी करियर एडवाइस दे देता है, हम बस उसी पर निकल पड़ते हैं, फिर चाहे वो लुक्स के लिए हो या फिर एक्शंस के लिए। पर जब हम एक टाइम पर आकर एज्ड हो जाते हैं, तब हमको ये रियलाइज होता है कि मैं पूरी जिंदगी वो कर रहा था जो मेरे लिए बनी ही नहीं। अगर उस टाइम मैंने अपने फ्रीडम से कुछ किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। पर तब तक ऐसे रिग्रेट करने के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस बचती ही नहीं। इसलिए अगर आप अपनी 20s में दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर या फिर उनकी एडवाइस पर कोई काम करने जा रहे हो, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ इसके सभी नेगेटिव पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखना, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो करियर स्टेप आप लेने जा रहे हो उससे वाकई में आप फ्यूचर में खुश रह भी पाएंगे या नहीं। इसलिए इस पॉइंट का भी जरूर ध्यान रखना। तो ये थे गाइस कुछ ऐसे रेग्रेट्स जिन्हें पहले ध्यान में ना रखकर हमको अपनी लाइफ में पछताना पड़ जाता है। इसलिए अभी अगर आप अपनी 20s या फिर 30s में भी हैं, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको जरूर कंसीडर कीजिए, ताकि एक एज हो जाने के बाद आपको इन चीजों का पछतावा ना हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।